आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी और 5वां T20 मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि अभी तक इस सीरीज में दोनों ही टीम दो दो मुकाबला जीतकर बराबरी पर है। इसलिए आज जो टीम इस मुकाबले को जीतने में सफल रहेगी उसी के नाम यह T20 सीरीज होगा। लेकिन आज कौन से टीम के जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा है और भारत के प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों के शामिल होने की संभावना है और आज बेंगलुरु में बारिश कितना बड़ा खलनायक का रोल अदा करेगा और आज का मैच आप किन किन चैनलों पर आसानी से कितने बजे देख पाएंगे, इन सभी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आज के मैच संबंधित एक बड़ा अपडेट भी आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के मैच में किस टीम के जीतने की संभावना कितनी ज़्यादा है। तो अभी तक भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कुल 19 T20 मुकाबले खेले गए हैं और इस 19 मुकाबले में भारत के हाथों 11 जीत लगी है, तो 8 मैच में दक्षिण अफ्रीका को जीत नसीब हुई है। लेकिन भारत की धरती पर दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड बेहतर है, क्योंकि भारत की धरती पर अभी तक दोनों के बीच कुल 8 T20 मुकाबले खेले गए हैं और इस 8 T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 5 मैच में जीत नसीब हुई है, वहीं भारत को सिर्फ 3 मैच में जीत मिली है। तो इस लिहाज से भारत की धरती पर दक्षिण अफ्रीका का आंकड़ा बेहतर है। लेकिन आज का मुकाबला कौन जीतेगा, तो मेरा अनुमान कहता है कि आज भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज जीतेगी, क्योंकि चौथे T20 मुकाबले में जिस तरह से आवेश खान ने अपने बाउंसर गेंद से दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान किया और उन्हें डराया था, तो मानसिक रूप से दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर यह बात हावी है और इस मैच में भारत को इस बात का फायदा मिलने की संभावना है। अगर हम इस मैच में भारतीय प्लेइंग 11 की बात करें तो इस मैच में अपरिवर्तित प्लेइंग 11 ही मैदान पर नजर आएगी। एक बार फिर से ईशान किशन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करेंगे, वहीं ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक मिडिल ऑर्डर संभालेंगे, तो स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी यजवेंद्र चहल के साथ साथ अक्षर पटेल के कंधों पर होगी, वहीं तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और आवेश खान नजर आएंगे। अब हम आपको आज बेंगलुरु में बारिश की कितनी संभावना है ये भी हम आपको बता दें। तो शुक्रवार और शनिवार को बेंगलुरु में बारिश हुई है, इसलिए आज भी इस मैच पर बारिश का साया बरकरार है। अब हम आपको बता दें कि आज के मैच संबंधित एक बड़ा अपडेट क्या है। अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार चौथे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावमा आवेश खान की गेंद पर इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे और वो इतना इंजर्ड हुए थे कि अभी तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं। इसलिए 5वें T20 मुकाबले में टेम्बा बावमा का दक्षिण अफ्रीका की तरफ से खेलना अभी संदिग्ध है, इसलिए उनकी जगह पर क्विंटन डिकॉक इस मैच में कप्तानी कर सकते हैं। इस मैच संबंधित सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।